हेलो एवरीवन वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस सो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सो so, कलर ब्लाइंडनेस क्या है कलर ब्लाइंडनेस को कलर विजन प्रॉब्लम या फिर कलर विजन डेफिशेंसी भी कहा जाता है ट्रबल इन सीइंग और आइडेंटिफाइंग कलर्स लाइक ब्ल्यू ग्रीन एंड रेड सच कंडीशन इज कलर ब्लाइंडनेस मीन्स कलर ब्लाइंडनेस के जो पेशेंट होते हैं उन्हें ब्ल्यू ग्रीन और रेड ये तीनों कलर को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है बट कुछ केसेस में पेशेंट किसी भी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कलर ब्लाइंडनेस को जॉन डाल्टन नाम के इंग्लिश केमिस्ट ने 1798 में डिस्कवर किया था जब इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी तब ये खुद इस डिसऑर्डर से पीड़ित थे सो इसी वजह से इस डिसऑर्डर को डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है इस कलर ब्लाइंडनेस के कुछ टाइप्स भी होते हैं बट वो टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम नॉर्मल आई की कंडीशन समझ लेते हैं तभी जाके हमें वो टाइप्स समझ में आएंगे नॉर्मल आँखों के रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं एक है कोन सेल और दूसरे है रॉड सेल जो कोन सेल है वो तीन प्रकार के हैं रेड कोन सेल ग्रीन कोन सेल और ब्लू कोन सेल जो कलर को आइडेंटिफाई करते हैं सो so, ऐसे नॉर्मल आंखों के कंडीशन को ट्राइक्रोमेसी भी कहा जाता है And people with normal कलर vision are known as trichromats. अगर ये जो तीन कोन्स हमने डिस्कस किए हैं अगर इन तीन कोन में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो पर्सन को कलर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जाएगी और ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस इस कलर ब्लाइंडनेस के दो टाइप हैं पहला जो है वो है मोनोक्रोमेसी और दूसरा है डाईक्रोमैसी तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोक्रोमैसी कंडीशन क्या है दिस कंडीशन ऑकर्स वेन टू और थ्री कोन्स आर अपसेंट और डैमेज मतलब जब किसी पर्सन के तीनों ही कोन जो कि है रेड कोन ब्लू कोन और ग्रीन कोन तो जब किसी पर्सन के तीनों ही कोन डैमेज हो जाते हैं या फिर वहां पे वो कोन अपसेंट रहेंगे तो ऐसे कंडीशन को मोनोक्रोमैसी कहा जाता है इस कलर ब्लाइंडनेस के टाइप में कलर और लाइटनेस विजन दोनों ही कम हो जाते हैं सो so, ये टोटल कलर ब्लाइंडनेस होगा सो यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है तो ये नॉर्मल विजन है और जो कलर ब्लाइंड पर्सन है जिसे मोनोक्रोमेसी हुआ है तो उस पर्सन को कुछ ऐसे कलर दिखेगा मतलब वो किसी भी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा टाइप है डाइक्रोमेसी इस कंडीशन में जब आँखों का कोई भी एक कोण डैमेज या फिर अपसेंट रहेगा तब कोई भी एक कलर देखने में पर्सन को परेशानी होगी जो कि रेड ब्लू, ग्रीन कोई भी एक कलर हो सकता है डिपेंड है कि कौन सा कोन डैमेज हुआ है सो इस वजह से इसे पार्शल कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है इस डायग्राम में देखिए ये है नॉर्मल विजन मतलब पर्सन को सभी कलर नॉर्मली दिखाई देंगे बट अगर डायक्रोमेसी कंडीशन आती है मतलब अगर किसी के जो ग्रीन कलर के कोन है अगर वो डैमेज हुए हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है ड्यूटेरानोपिया अगर किसी के रेड कलर के कोन डैमेज हुए हैं मतलब रेड कलर आइडेंटिफाई करने के जो कोन है अगर वो डैमेज हुए हैं तो उस कंडीशन को कहा जाएगा प्रोटेनोपिया और अगर ब्लू कलर के कोन डैमेज हुए हैं तो उस कंडीशन को कहा जाएगा ट्राइटेनोपिया तो इन तीनों कंडीशन को ही अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली कंडीशन हम डिस्कस करेंगे जो कि है ड्यूटेरानोपिया ड्यूटेरानोपिया इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इसमें ग्रीन कलर देखने में पेशेंट को प्रॉब्लम होता है यहाँ ग्रीन कलर रेड दिखाई देगा सो इस वजह से पेशेंट ग्रीन और रेड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्रोटानोपिया protanopia makes red look more green and less bright means is condition mein red color green dikhai dega aur agar patient ke green aur red cone dono hi agar damage ho jate hain to wo patient red green ko identify nahi kar payega जो last condition है, वो है tritanopia tritanopia which is reduce sensitivity to blue light Means, यहाँ ब्लू कलर नहीं पहचाना जाएगा पेशेंट से क्योंकि उनके ब्लू कोन खराब हो चुके हैं यहां पे मैंने ये जो हमने डिस्कस किए थे सारे कलर ब्लाइंडनेस के टाइप वो एक ही स्क्रीन पे दिखा दिए हैं तो सबसे पहले हमने मोनोक्रोमेसी डिस्कस किया था जिसमें कोई भी कलर पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और जो दूसरी कंडीशन हमने देखी थी वो थी डाइक्रोमेसी जिसमें हमने ये तीन कंडीशन देखे थे अगर ग्रीन कौन डैमेज हो जाते हैं तो क्या होगा रेड कौन डैमेज हो गए तो कौन सी कंडीशन आएगी और अगर ब्लू कौन डैमेज हो जाते हैं तो कौन सी कंडीशन आ जाती है तो ये सारे हमने टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं तो यहाँ तक हमने सारे कलर ब्लाइंडनेस के टाइप्स देख लिए हैं अभी हम कलर ब्लाइंडनेस होने के क्या कारण हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले है डैमेज कॉज टू ब्रेन और आई और टू द नर्व सेल अगर किसी भी रीज़न से ब्रेन आई या फिर नर्व सेल में डैमेज हो जाता है और अगर गलती से ब्लू कोन रेड कोन या फिर ग्रीन कोन कोई भी कोन अगर डैमेज हो जाता है तो कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है तो एक्सीडेंटली ये कंडीशन आ सकती है नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर कभी कभी ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रग लेता है तो उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं या फिर यूज ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल तो ये भी एक रीजन हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस होने के नेक्स्ट हम देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है रैपिड आई मूवमेंट अगर किसी के आंखों में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है अगर रैपिडली आई मूवमेंट वहां पे दिखाई देती है तो ये सबसे पहला सिम्टम्स हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस का नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द ब्राइट लाइट अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो पेशेंट को उस लाइट में देखने में दिक्कत हो सकती है तो ये भी एक सिम्टम हम बोल सकते हैं नेक्स्ट है ट्रबल इन सींग कलर एंड द ब्राइटनेस ऑफ कलर तो कलर देखने में अगर किसी को दिक्कत होती है तो ये तो बेसिक सिम्टम होगा ही और लास्ट है द प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन कलर शेड्स तो अगर कोई कलर को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा है तो ये भी सिम्टम है कलर ब्लाइंडनेस का तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट ने तुरंत डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए तो ये हुए कुछ बेसिक सिम्टम्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस को डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं इन टेस्ट से डॉक्टर कलर ब्लाइंडनेस को इजीली डायग्नोस कर सकते हैं तो पहली टेस्ट रहेगी प्लेट टेस्ट और दूसरी टेस्ट रहेगी स्क्रीनिंग टेस्ट प्लेट टेस्ट में मेनली रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस डायग्नोस किया जाता है और स्क्रीन टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस की सिवियरिटी देखी जाती है कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर करंटली कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो अगर किसी के कोन डैमेज हो जाते हैं तो पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा और उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं होगी तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है हमने आज कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं उसके कॉजेस सिम्टम्स और ट्रीटमेंट सारी चीज़ें हमने इसी वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू